दोस्तों, मैं सुमित, आप सभी लोग को हमारे और एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। मेरे और मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस को सभी को दिल से राम राम। तो आज का ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ओपी बोलते भाई, ओपी वाला यार, बहुत दिनों के बाद आया है यार भैया के पास। मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता है यार, क्या करेंगे उसे लिए उसे लिए आज को यार फाइनली आ चुके भैया के पास। तो पहले नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर तो ले ही जाएंगे मम्मी के लिए और भैया के लिए भी। तो आप लोग ने बस ब्लॉग पर बने रहना। अरे देखिए, I'm fine and you? साहब यहाँ पर आते तो दिल खुश हो जाता है सच में। मतलब कि थोड़ा कॉमेडी करते हैं भैया के साथ भी। लोगों को तो पता ही होगा कि हम ना बहुत दिनों से वीडियोज ही नहीं बना रहे, कम से कम एक हफ्ता तो हो गया होगा। लेकिन कोई बात नहीं है यार, फिर से आ गया आपका भाई, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है। हम अभी जा रहे हैं मम्मी को नाश्ता वास्ता पहुँचाने के लिए, और ये है नाश्ता। हम तो नाश्ता भी पहुंचा दिया और स्नान करके घर जा रहे हैं। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम ना अभी अपना दीदी घर, मतलब मौसा मस्ती घर जा रहे हैं। और ना मेरे दीदी का कल को शादी है यार, इसीलिए आज को जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम कर देंगे कल को, तो इसीलिए जल्दी जा रहे हैं मौसा मौसी के लिए। इसीलिए थोड़ा सा भी मीठे उठे ले लेते हैं। अभी पहुंच गए हैं अपना मौसम मौसी घर। तो पहले ना खाना वाना खाते हैं, क्योंकि ना 2 घंटा ट्रैवल किया ना यार, भूख लग रहा है। लेकिन रास्ते में तो हम लोग नाश्ता वास्ता किए ही, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले खाना खाते हैं, और तो लेट जाएगी नहीं, लेटेंगे नहीं यार, गेम खेलेंगे। मेरा दोस्त लोग वेट कर रहा होगा। मेरी दीदी का अभी हो रहा है हल्दी का रस्म। मेरे मौसी देखो कितना क्यूट सा मेहंदी बना रही है। नहीं जानते हैं हम कहां पर हैं। मम्मी इधर देखिए, देखिए ना देखो कितना भरती। रुकिए मेहंदी तो बनाने दीजिए। मेहंदी तो बन छे, देखा फोटो तो दिखाओ। मेहंदी का रसम चल रहा है यार, लेकिन मेरे को ना कुछ अलग करना है, कुछ अलग 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 सोच नहीं पा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब फॉर यू।